हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। सीईटी मेंस का एक नया नोटिस वायरल हो रखा है, जिसमें एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में जिक्र किया गया है। ऑफिशियल नोटिस है ये किसी डिपार्टमेंट का। यदि आप जानना चाहते हैं इस नोटिस में और क्या कुछ कहा गया है, यदि आप जानना चाहते हैं कि किन किन ज़िलों में एग्ज़ाम सेंटर बनाने की तैयारी की जा रही है और किस किस डेट में तैयारी की जा रही है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ग्रुप डी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नया बैच स्टार्ट हो गया है, अभी 2 ही दिन क्लास हुई है, 15 मई को बैच स्टार्ट हुआ था। फायरमैन का फुल रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है KTDT ऐप पर। ग्रेजुएशन लेवल कॉमन एग्ज़ाम का जो बैच है वो उपलब्ध है, 12वीं का उपलब्ध है, और इसके अलावा ALM ठीक है ये भी है, कॉमर्स बैक का भी उपलब्ध है। आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, डेमो देख लीजिए, ठीक है। तो ये नोटिस वायरल हो रखा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मुझे इस पर थोड़ा सा डाउट है, लेकिन HSSC है भाई, जो लोगों को डाउट लगता है वही सच हो जाता है, ठीक है। हम इसको सही मानकर आपको बता रहे हैं, बाकी सही है या गलत है ये तो राम ही जाने। यहाँ पर क्या है, HSSC ने इन सभी ज़िलों के DC को ये लेटर भेजा है, पंचकुला, अम्बाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और पानीपत। यहाँ पे डाउट इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो मामूली से हैं और तैयारी इतनी जगह पे की जा रही है, और पेपर देने वाले मामूली से हैं, तो इसलिए डाउट हो रहा है। पहली बात तो ये है, अभी HCS का एग्ज़ाम है जिसमें लगभग 90,000 लोग है, कितने जी, 90,000 लोग है, इतने ज़िले तो उसमें भी यूज़ नहीं किए जा रहे जितने इस CET में। कहीं पे 10,000 बच्चे हैं, कहीं पे 5,000 बच्चे हैं, कहीं पे 15,000, कहीं पे 20,000, तो इतने बच्चों के लिए इतने ज़िले यूज करना मेरे हिसाब से मतलब उस तरफ से इशारा कर रहा है। और उसके बाद में डेट देखिए, 1/7/2023, 2/7/2023, 8/7/2023, 9/7/2023, 15/7/2023, 16/7/2023, 22/7/2023, 23/7/2023, 29/7/2023, 30/7/2023, 5/8/2023, 6/8/2023, 12/8/2023, 13/8/2023, 19/8/2023, 20/8/2023, 26/8/2023, 27/8/2023, 2/9/2023, 3/9/2023, 9/9/2023, 10/9/2023, 16/9/2023, 17/9/2023, 23/9/2023, 24/9/2023, 30/9/2023। इतनी डेट का जिक्र तो दोस्तों जब ये CET का पहले एग्ज़ाम शेड्यूल डला था ना, टेंटेटिव, उसमें भी नहीं था जिक्र, अब यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डेट का जिक्र कर दिया गया है। बाकी ये सच भी हो सकता है, सच होने का कारण क्या हो सकता है दोस्तों, इनमें से कुछ डेट निर्धारित करी जाएगी, क्योंकि किसी ज़िले को किसी डेट की दिक्कत होगी, किसी ज़िले को किसी डेट की दिक्कत होगी, तो इनमें से ये भी देखा जाएगा भाई सेम डेट में कोई और बड़ा एग्ज़ाम तो नहीं है किसी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो ये मामला है आपका। तो 10 दिन में दोस्तों कन्फर्मेशन के लिए HSSC ने नोटिस भेजा किसको, इन सभी DC को और साथ में इन लोगों को भी, साथ में इन लोगों के पास भी ये नोटिस गया है, ठीक है। तो 10 दिन में वापस कन्फर्मेशन देनी है कि हमारे ज़िले में इतने कॉलेज है, इतने स्कूल है, इतने पॉलिटेक्निक कॉलेज है जहाँ पर एग्ज़ाम करा सकते हैं और उन उनमें इतनी इतनी सीटिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये मामला है, तो बाकी इसकी कन्फर्मेशन के लिए मैंने ऊपर बात तो करी है, कन्फर्मेशन होते ही मैं आपको इसके बारे में और तसल्ली से बता दूंगा। अभी तो मेरे माइंड में जो डाउट हो रहे थे वो मैंने यहाँ पे साथ में बता दिए कि बच्चे तो है 10-15,000, 20,000 होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम देने वाले, यहाँ पर ज़िले बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिए और डेट बहुत ज़्यादा बता रखी है। बाकी ये मामला है और कन्फर्मेशन आते तो आपको बता देंगे। बाकी आप तैयारी करते रहिए अपनी, तैयारी करेंगे तो ही एग्ज़ाम कल हो, एग्ज़ाम 1 महीने बाद हो, एग्ज़ाम की तैयारी होगी तभी बेनिफिट होगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ही दिया, आप KTDT ऐप पर ज्वाइन करना चाहते हैं। धन्यवाद, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।